हेलो नमस्ते, केम छो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं ब्रेंटी विलेज में था एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एक बड़ी सिटी में जिसका नाम है चेम्सफोर्ड। ये जो सिटी है वो एसेक्स नाम के जो स्टेट है जो कि लंदन के बिल्कुल मतलब 30 किलोमीटर जितने ही ऊपर नॉर्थ में आया है, और ये जो स्टेट है उसकी ये कैपिटल सिटी है चेम्सफोर्ड नाम की जो सिटी है ये। एंड अभी मैं अपने होस्ट के घर पे रुका हुआ हूँ जो कि यहाँ पर यहाँ के यूके के लोकल ही है। तो हम आज यहाँ पर जो है चेम्सफोर्ड उसको एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे होस्ट का घर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो है लिविंग रूम है हमारा, मैं रात को यहाँ पर ही सो गया था क्योंकि इनके पास जो है इनका एक अलग से रूम है। एंड यहाँ पर टीवी है एंड यहाँ से ये बाहर का व्यू है पूरा। यहाँ पर जो लिविंग रूम है उसके साथ ही ये किचन है। ये पूरा हमने यहाँ पर बैठ के बहुत सारा टीवी देखा एंड इंडियन खाना भी खाया हुआ यहाँ पर बहुत सारा। ये है मेरे होस्ट। Hi, I'm Peter. I'm 37, and this is my flat or my abode. We're gonna go to town and have some food, and it's gonna be good. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर चेम्सफोर्ड। अभी हम घर से बाहर आ चुके हैं एंड ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो पूरा न्यू एरिया है। यहाँ पर सारे नए नए होम बनाए गए हैं लोगों को मतलब रहने के लिए। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूके का जो पुराना जो आर्किटेक्चर है उससे काफ़ी अलग है ये होम। सिटी में जो है जगह मतलब बहुत ही कम पड़ रही है, तो सिटी के आजू बाजू यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसे होम बना रहे हैं, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ऐसे कंपनीज बना रही है। जैसे कि ये कंपनी का नाम है परसोना होम। तो ये कंपनीज ये पूरा एरिया डेवलप कर रही है यहाँ पर। हर यहाँ पर नए एरिया में बस स्टॉप भी होता है, तो वहाँ पर जो है बस स्टॉप है। तो अभी हम यहाँ पर बस से जा सकते हैं वहाँ पर सिटी सेंटर में चेम्सफोर्ड में। फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं एंड अभी हम यहाँ से जाएंगे सिटी सेंटर में। कि अगर आपको मतलब कोई भी डिस्टेंस पे ट्रैवल करना हो बस में, तो जो अमाउंट है वो सेम रहेगा यहाँ पर, जो 2 पाउंड है वो। तो यहाँ पर जो सिटी बस यहाँ की सारी होती है वो अमाउंट उसका सेम होता है। एंड यहाँ पर आपको जहाँ पर भी रुकना हो तो यहाँ पर हर सीट पे ऐसे स्टॉप के बटन दिए गए हैं, तो ये बटन दबाने से हर जो ड्राइवर है यहाँ पर बस स्टॉप कर देता है। तो आप बहुत ही ईजी एंड कंफर्टेबल है। बस भी यहाँ पर बहुत ही मतलब अच्छी है। बस जो सारी सीट्स है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। एसी एंड वाईफाई भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है बस में। अभी बस से हम यहाँ पर सिटी सेंटर में आ चुके हैं एंड यहाँ से बस सिटी सेंटर में आके मैंने यहाँ से ये फलाफल लिया है क्योंकि ये लेबनीज फलाफल है एंड इन्होंने मुझसे एंड मैंने इनसे कहा, ये जहाँ जिनसे मैंने ये फलाफल लिया मैंने उनसे कहा कि मैं ये यहाँ पर, यह मेरा फर्स्ट टाइम है ये, मैं यहाँ पर आया हूँ स्टडी करने के लिए। तो इन्होंने मुझे ये कोक जो ड्रिंक है वो मुझे फ्री फ्री में दी है। तो मतलब इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पर ये। हेलो हेलो फ्रॉम चेम्सफोर्ड या एंड थैंक यू सो मच। तो अभी जो मेरे होस्ट है वो यहाँ पर गए हैं उनका फूड लेने। आजू बाजू में कुछ उनको बर्गर वैसा खाना था। तो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर। मुझे मैं ब्लॉग यहाँ पर शूट कर रहा हूँ तो ब्लॉग में हेलो और स्माइल दे रहे हैं मुझे। एंड अभी हम यहाँ पर ये खाने के बाद ये सिटी सेंटर एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ की जो पॉपुलर था जो प्लेस है। यहाँ पर कैथेड्रल भी है एक बड़ा सा एंड सब हेरिटेज प्लेस है यहाँ पर। तो हम वहाँ पर जाएंगे। काफ़ी सारे इंडियंस भी मुझे यहाँ पर स्ट्रीट पर दिख रहे हैं। ये छोटी सी मतलब लंदन के बाहर की सिटी है। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ के यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी सारे इंडियंस जो है स्टडी करते हैं यहाँ पर। तो अभी फलाफल खाने के बाद अभी सिटी सेंटर में घूम रहे हैं हम। एंड जो आप मेरे पीछे ये कॉफ़ी शॉप देख रहे हो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग टाइप के कॉफ़ी बीन्स है, तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर जो है कॉफ़ी चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी यहाँ पर अलग अलग टाइप के बीन्स है यहाँ पर, जैसे कि फ्लेवर्स है ये हेजल नट बटर क्रॉस क्रीम एंड हाईलैंड क्रीम एंड कोकोनट क्रीम। ये जो सारी अलग अलग कंट्री से भी है यहाँ पर, जैसे कि इरिस ब्लैक टी है एंड चाइना फ्लेवर की टी भी है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है ये। यहाँ पर एक अंकल लाइव म्यूजिक भी मस्त गा रहे हैं। तो अभी हम पूरा सिटी सेंटर घूमने के बाद जा रहे हैं यहाँ का जो कैथेड्रल है बहुत ही पॉपुलर है वहाँ पर जा रहे हैं। एंड अभी पीटर के साथ बातें करते करते मुझे पता चला कि ये जो प्लेस है चेम्सफोर्ड वो रेडियो जो रेडियो का जो आविष्कार हुआ था वो यहाँ पर से हुआ था। यहाँ पर एक मैकोनी नाम के इटालियन जो है साइंटिस्ट वो रह रहे थे और इन्होंने जो रेडियो की खोज की थी। तो ये जो सिटी है बॉर्न प्लेस ऑफ रेडियो के लिए बहुत ही पॉपुलर है। एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर कैथेड्रल में। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही पीसफुल। मैं इस कैथेड्रल के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये चर्च एंड आज संडे है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है प्रेइंग के लिए आए हैं।
एंड इनका ये यहाँ पर जो भी जो प्रेइंग के साथ साथ जो खाने पीने का है वो भी तरह चल रहा है। यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है अंदर, सब लोग प्रे कर रहे हैं, और प्रे करने के बाद अभी जो यहाँ पर है खाने का प्रोग्राम चल रहा है पूरा, इनकी दावत चल रही है पूरी। अभी यहाँ पर कुछ रोड का काम चल रहा है एंड यहाँ पर इंडियंस भी काम कर रहे हैं। यहाँ पर अंदर मुझे देख भी रहे हो, कार में बैठे हैं वो इंडियंस है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है, रोड का काम होता है एंड काफ़ी सारे सुपर स्टोर में मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, तो छोटे छोटे सिटी में भी यहाँ पर सारे इंडियंस बहुत है, तो जो यहाँ पर काम कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वो सब, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी लास्ट में हम यहाँ पर आए हैं एक पार्क में, बहुत ही बड़ा पार्क है, सेंट्रल पार्क नाम का, यहाँ पर चैम्सफोर्ड में एक और म्यूज़ियम भी है, पर वो म्यूज़ियम भी अभी बंद हो चुका होगा। ये जो मेरे पीछे आप जो बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये प्राइम मैक्स करके एक बिल्डिंग है, जो कि यहाँ पर यूके में और स्पेशली इंग्लैंड में जो है क्लोथ खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए बहुत ही पॉपुलर है। बहुत ही चीप प्राइस में हम यहाँ से वो सारे स्वेटर्स एंड सारे कपड़े खरीद सकते हैं। तो आज का मेरा दिन यहाँ पर चैम्सफोर्ड में ख़त्म होता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड एज ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कीप ट्रैवलिंग एंड एंजॉय योर लाइफ।